Students, now we'll study angular displacement. See, whenever a body performs translational motion, that is linear motion, then the body will have linear displacement, which you have already studied in 9th standard. But now we are studying rotational motion. So whenever a body performs rotational motion, it will have angular displacement. ठीक है, linear displacement नहीं होगा, angular displacement होगा. तो हम जस्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. सो सपोज वी हैव, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस इज लाइक दिस कमिंग आउट ऑफ दिस पेज. ओके, बट वी विल ड्रॉ इट दिस वे. दिस इज अवर जेड एक्सिस विच इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ दिस पेज. Now suppose we have a rigid body which is rotating about OZ axis. So this is origin, this point, and we have a rigid body like this. Suppose this is a rigid body and this is Z axis. See, this was X axis, this is Y axis, and this is Z axis coming out of this page. This body is rotating about Z एक्सिस. सो इसका, इस बॉडी का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये है, Z एक्सिस है. सो ये बॉडी इस तरीके से रोटेशन कर रहा है. देखो, Z एक्सिस के चारों बाजू गोल घूम रहा है लाइक दिस. ओके, सो इसका ड्राइंग मैं यहां पर कर रही हूं. सो ये बॉडी जो है, अगर ये प्लेनर बॉडी है तो ये कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है ये बॉडी. और किसके अबाउट रोटेट कर रहा है? जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है. सो जेड एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, एंड सपोज दिस इज वन पार्टिकल पी ऑन दिस रिजिड बॉडी, देन दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल एट गिवन टाइम. तो हम इसी फिगर को अभी ड्रॉ करते हैं. सो सपोज this is particle p and its position vector is suppose vector r. this is the position of this particle at time t is equals to t. ye initial time hai, theek hai, us waqt ye particle ki position ye hai. now after some time ye to rotate kar raha tha na. सो वेन दिस पार्टिकल, दिस बॉडी रोटेट्स, जस्ट सी, ये जो पार्टिकल पी है वो भी तो अपनी पोजिशन चेंज करता है. सो आफ्टर सम टाइम दिस वेरी सेम पार्टिकल रीचेस हियर. सो इस पोजिशन को हम पी डैश बोलते हैं और इसका जो पोजिशन वेक्टर है उसे हम बोलते हैं आर डैश. और ये यहां पर कब पहुंचा है? डेल्टा टी टाइम इंटरवल में. सो हियर द टाइम वॉज टी एंड हियर द टाइम इज टी प्लस डेल्टा टी. सो आई होप इतनी चीज आपको समझ में आई है. अब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखते हैं. सी, इनिशियली ये जो पार्टिकल है इसका ये पोजीशन वेक्टर है वो एक्स एक्सिस जो हमारी रेफरेंस लाइन है उसके साथ कितना एंगल बनाता है. तो सपोज हम इमेजिन कर लेते हैं कि दिस एंगल इज थीटा. नाउ आफ्टर टाइम टी प्लस डेल्टा टी, यानी कि इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, ये पार्टिकल यहां से कहां पहुंच गया है? यहां पर, क्योंकि पूरा जो बॉडी है वो यहां से ऐसे रोटेट कर रहा था. सो पार्टिकल पी ने अपनी पोजिशन चेंज कर ली है और डेल्टा टी टाइम इंटरवल में जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसने किया है वो कितना है? डेल्टा थीटा. सो दिस एंगल इज डेल्टा थीटा. ओके, सो नाउ जस्ट सी, यहां पर रिजिड बॉडी मैंने ड्रॉ नहीं किया है, बट एक्चुअली सपोज इफ आई ड्रॉ, सो इनिशियली रिजिड बॉडी इज लाइक दिस, फिर जब ये रिजिड बॉडी रोटेट हुआ तो फिर वो यहां पहुंच गया है. ऐसा रोटेट होके रिजिड बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है. सो एग्जाम में भी आपको रिजिड बॉडी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन ऑफ वन पार्टिकल ही ड्रॉ कर सकते हैं. एंड एज दिस इज अ रिजिड बॉडी, सो सी
ये रिजिड बॉडी था, अब मैं इस एक पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर स्टडी कर रही हूं कि इन टाइम इंटरवल टी दिस पार्टिकल्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इज थीटा, आफ्टर टाइम इंटरवल डेल्टा टी दिस पार्टिकल रीचेस समवेयर हियर, सो इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी कितना एंगुलर शिफ्ट हुआ इसका, डेल्टा थीटा जितना एंगुलर शिफ्ट हुआ है, ठीक है। सो अगर मैं ये एक पार्टिकल का मोशन स्टडी करती हूं तो मुझे बाकी सारे ही जितने भी पार्टिकल्स हैं इस रिजिड बॉडी में उन सबके मोशन का आइडिया आ जाता है। द रीजन इज दिस इज अ रिजिड बॉडी एंड वी हैव स्टडीड द डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी, इन दैट वी हैव अंडरस्टूड दैट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। सो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह चेंज नहीं करते हैं। सो अगर ये पार्टिकल पी जो है उसका थीटा डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो यहां पर दूसरा एक पार्टिकल होगा उसका भी थीटा जितना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा इन गिवन टाइम इंटरवल टी, ठीक है। सो ये चीज आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समझना कि रिजिड बॉडी जो है उसके किसी भी एक पार्टिकल के मोशन को अगर आप एक्सप्लेन करते हो तो आप पूरे रिजिड बॉडी के मोशन को उसी के बेसिस पे समझ सकते हो। आपको इंडिविजुअल पार्टिकल का मोशन सेपरेटली स्टडी करने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल सी चीज है, ये वाला पॉइंट है। अगर मैं बोलूं कि मैंने इसको एक सेकंड में इतना डिस्प्लेस किया तो ये वाला पार्टिकल जो है वो इतना एंगल अपना पोजीशन शिफ्ट करता है, तो फिर इस पार्टिकल का क्या होगा, देखो वो पार्टिकल भी सेम एंगल डिस्प्लेस होता है, इस पार्टिकल का क्या होगा, वो भी सेम एंगल जितना डिस्प्लेस होता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन दिस पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल, डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस पार्टिकल रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इट डजेंट चेंज विथ टाइम। सो अगर मैं इस एक ही पार्टिकल का मोशन स्टडी करूंगी ना तो मुझे इस पार्टिकल का मोशन भी समझ में आ जाएगा, इसका भी समझ में आ जाएगा, एंड सिमिलरली सारे पार्टिकल्स का मोशन मुझे समझ में आ जाएगा। So now quickly we'll see the description of this figure. See here we have shown a rigid body who is rotating about OZ axis. And whenever a rigid body performs rotational motion, then the individual particle of the rigid body will be performing circular motion. So all the particles during their circular motion will have same angular displacement in given interval of time. Why? Because the distance between two points, two particles, of the rigid body does not change, and therefore the description of rotational motion of whole body can be given through the motion of any one particle. So अभी जो हमने figure में समझा था उसी चीज को यहां पर लिखा हुआ है कि at initial time at t is equals to t the particle p its position with respect to x axis is shown by a position vector r, and this position vector r at time t makes an angle theta with respect to x axis. So theta is initial angular position of particle p. Now after a certain time interval delta t, so what is the total time? Initial time t to tha hi, uske baad mein delta t jitne time interval ke baad, so total time kitna ho gaya, t plus delta t. So itne t plus delta t time ke baad mein hamara jo particle hai वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। यहां हम देख सकते हैं इनिशियली इट वाज हियर एंड आफ्टर टाइम इंटरवल डेल्टा टी ये पार्टिकल यहां से यहां पर पहुंच गया है, एंड व्हेन इट रीचेस हियर देन इट्स टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। अगर टाइम इंटरवल टी प्लस डेल्टा टी में आपको कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो आप बोलोगे थीटा प्लस डेल्टा थीटा। अगर आपको कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा टी टाइम इंटरवल में पूछेगा तो डेल्टा टी टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहां से लेकर यहां तक, सो दैट डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा थीटा। वो चीज यहां पर लिखी हुई है कि एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी द पार्टिकल डिस्प्लेसेस फ्रॉम पी टू पी डैश एंड एट दैट टाइम आर डैश वेक्टर रिप्रेजेंट्स द पोजिशन ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस and the final angular position of particle p with respect to x axis is theta plus delta theta. to jisme se delta theta kya hai, it is angular displacement in time interval delta t, and theta plus delta theta kya hai, it is angular displacement in time t plus delta t. to ab angular displacement ko hum define kaise kar sakte hain, change in angular position of a particle,
इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो यहां पर सपोज अगर ये पार्टिकल पी इनिशियली यहां पर है और यहां से इधर गया है इन टाइम टी, तो टाइम टी में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? डेल्टा थीटा। अब ये पार्टिकल यहां से यहां जाता है कितने टाइम में? डेल्टा टी टाइम में। सो डेल्टा टी टाइम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? डेल्टा थीटा। बट सपोज आपको कोई टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछता है इन द टाइम इंटरवल टी प्लस डेल्टा टी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? थीटा प्लस डेल्टा थीटा। अब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट देख लेते हैं। द यूनिट विल बी रोटेशन, क्योंकि ये ऐसा डिस्प्लेस होता है, सी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, राइट। तो जो भी आपका पार्टिकल है डिस्प्लेस होगा बाय एन एंगल। सो या तो आप एंगल की यूनिट लिख सकते हैं रेडियन, या तो कितना रोटेशन हुआ, सी इनिशियली सपोज पार्टिकल इज हियर और यहां से ऐसे घूमता है और ये एक रोटेशन कंप्लीट किया इसने, या तो आप बोल सकते हो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट किया। सो ऑल दीज आर द यूनिट्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एज वी नो वन रोटेशन या तो वन रेवोल्यूशन कितना होता है? 2 पाई रेडियन जितना होता है। सी दिस इज 0, दिस इज पाई बाई 2, दैट इज 90। यहां पर आ जाओगे तो इट विल बी 180, दैट इज पाई। यहां नीचे आ जाओगे तो इट इज 3π/2 और यू कैन से 270। और यहां एक जैसे वापस आप आ गए उसी पोजीशन पे तो ये कितना हो गया? 360, दैट इज 2π। सो फ्रॉम हियर टू हियर पाई, अगेन फ्रॉम हियर टू हियर पाई, दैट इज 2π।